चलिए, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम लोग अब तक बहुत कुछ चुके हैं आर्डिनो के बारे में। तो अब आगे भी देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग मोटर को चलाने सीख गए, लाइट जलाने सीख गए, सब कुछ। तो चलिए अब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है ऑब्स्टेक अवॉइडर रोबोट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीच में जब भी ये कभी भी ये समझिए कि जैसे आप गाड़ी चल रहा है, अगर अचानक कोई रास्ता में कोई रुकावट आ जाता है तो ये पाथ अपने आप ऑटोमेटिक बदल लेगा और वो दूसरे पाथ पे चला जाएगा, चेक करके कि कहीं आगे कुछ गड़बड़ नहीं ना है पाथ पे। तो बस उसको देख के वो वहां से मुड़ जाएगा और फिर आगे देखे और सही है तो फिर उस डायरेक्शन में वो सीधा चला जाएगा। बस इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ कि हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किए हैं और आप कोई भी अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है मैं समझाता हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट ये है, आप ध्यान से समझिए समझिए, ये एक व्हील है हमारे लिए और ये दूसरा व्हील है। समझिए, ये व्हील हमारे लिए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है। रुकिए, फिर से दिखाता हूँ। मान लीजिए ये व्हील मेरा इस तरफ रोटेट कर रहा है जिससे गाड़ी आगे जाए, ठीक है, आगे जा रहा है। और दूसरा को मान लीजिए हम पीछे कर देते हैं, ऐसे पीछे की तरफ। तो आप खुद से अंदाजा लगाइए कि ये गाड़ी क्या होगा, जब ये चीज आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने जगह पर गोल गोल घूमेगा। तो ये गोल गोल कैसे घूमेगा, ये जो रोबोट है, मान लीजिए ऐसा ऐसा रोबोट हुआ, यहाँ एक चक्का है, यहाँ पास एक चक्का है, यहाँ पास एक चक्का है। तो अगर ये वाला चक्का मेरा आगे जाए और ये वाला पीछे की तरफ आए, तो होगा क्या कि ये अपने जगह पे मूव करेगा। तो ये अपने जगह पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस लेफ्ट की तरफ। इसी को हम लेफ्ट अलाइनमेंट बोल रहे हैं। अगर यही हम लोग आपको राइट अलाइनमेंट भी समझाता हूँ मैं, अगर यही हम लोग इसको आगे बढ़ाते, इस चीज को आगे बढ़ाते इस तरफ, और ये वाले चक्के को पीछे की तरफ घुमाते, तो ये राइट अलाइनमेंट होता। आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये रोबोट का चेसिस है, यहाँ पास एक व्हील, यहाँ एक व्हील। ये जो व्हील है राइट साइड वाली, ये आगे जा रही है और ये दूसरी जो है इस तरफ पीछे आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरफ ही, तो ये अपने जगह पर मूव करेगा, यानी ये इस तरफ से मूव करेगा क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है। तो ये हुआ राइट अलाइनमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो मोटर है उसको मैं कैसे घुमाऊंगा, तो ये मोटर किस तरह, ये हमारा रोबोट किधर जाएगा। तो आइए हम लोग कोड पे, ये पार्ट पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये चीज कि हमारा क्या हो रहा है आगे पीछे। मीन्स अभी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किया है, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट को लेके आ जाते हैं। आपको तो लेफ्ट अलाइनमेंट समझ में आ गया, ठीक है, ये वाला राइट अलाइनमेंट था। चलिए अब हम आपको लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में बताते हैं, यहाँ पे कोड में मैंने कैसे किया है। तो कोड जानने से पहले, सबसे पहले ये इसको देखिए आप। तो देखिए, सबसे पहले ये है क्या, ये देखिए, ये एक मोटर ड्राइवर है जिसका नाम है L293D। और ये एक आईसी है जो हमें मोटर चलाने में बहुत अच्छा देता है। अगर आप मोटर को बस ऐसे ही यूज कीजिएगा बिना इस मोटर ड्राइवर के, तो आपका होगा ये कि जो मोटर है बहुत कम आरपीएम पे चलेगा, लगभग 3K RPM पे चलेगा। और अगर इस मोटर ड्राइवर को यूज कर दिए तो आप दो मोटर चला सकते हो, दोनों का लगभग 900 9000 RPM या ऐसे करके चलेगा। आपको यहाँ पे डेटा लिखा हुआ दिखेगा जब ये चलेगा। मैं इसका कनेक्शन समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो है इनेबल 1 2, यहाँ पे पावर 2, ये पावर 1 और ये इनेबल 3 4, ये इस आईसी को चालू करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक। इसके लिए मैं एक इधर ग्राउंड 5 वोल्ट दिया हूँ आर्डिनो से इसके लिए, और एक साइड इधर बैटरी से दिया हो ताकि मोटर ड्राइवर को ऑन किया जा सके, ठीक है। और ये जो बीच का 2 पॉइंट है, ये देखिए, ग्राउंड ग्राउंड, इधर भी ग्राउंड ग्राउंड, इधर आर्डिनो से ग्राउंड लिया हो और ये बैटरी वाला ग्राउंड हो गया, जिससे हमें मोटर ड्राइवर को चलाने में बहुत आसानी होगा।
और ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, देखिए ये इनपुट वन है, ये आउटपुट वन है, वैसे ये इन आउटपुट टू है, ये इनपुट टू है। मीन्स ये जो मोटर है आपका, आपको दिखाते हैं, ये जो मोटर है इसके लिए इनपुट ये ब्लू और ऑरेंज वाली है, इनपुट लाइन ब्लू वाला, और इधर से ये पर्पल, और ये येलो और ऑरेंज आपका इसका आउटपुट के लिए, जो आप देख सकते हैं इस मोटर में जा रहा हो। वैसे ही इस साइड ये इनपुट ये आउटपुट, वैसे ये इनपुट ये आउटपुट इस मोटर के लिए है, ठीक है। इस मोटर के लिए आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये देखिए ये पिंक वाली और ग्रे लाइन आर्डिनो के इनपुट में जा रही है, और ये येलो और ऑरेंज इस मोटर पे जा रही है, ताकि इस मोटर को चलाने में सावधानी हो। ये तो इसका सर्किट समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर जो डिस्टेंस को मेजर करेगा कि कोई भी ऑब्स्टेकल कितना दूर है, तो इसका भी कनेक्शन छोटा सा है, आप तो पहले ही जानते हैं इसको, इसको तो मुझे स्किप कर देंगे ताकि जल्दी आपको समझ में आए। बस ट्रिगर है, ये वाला इको है, ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड, हो गया। अब चलिए हम कोड में आपको लेके चलते हैं। कोड बहुत साधारण सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ एकदम साधारण तरीके से। सबसे पहले हम ट्रिगर पिन और इको पिन इसको एक्टिवेट किए, जो कि है 11 और 10 पे। आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन और ये ब्राउन लाइन, ये ब्लू लाइन आपका 11 पे है जो कि है ट्रिगर पिन, और ये पर ब्राउन लाइन आपका 10 पे है जो कि है इको पिन। और हमें मोटर के आउटपुट्स को देखना है, ये वाला तो मोटर्स के आउटपुट नहीं, मोटर्स के इनपुट को, जो कि ये 4 लाइन है, ये ग्रे, ये रेड, ये ब्लू और ये पर्पल आपको दिख रहा है, वो सब M1, M2, M3, M4 जो कि 9876 पर है, ठीक। और आउटपुट तो उसके मोटर से जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये ड्यूरेशन और डिस्टेंस हम लोग एक वेरिएबल लिए हैं फॉर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, जो डिस्टेंस मेजर करेगा, हो गया। अब देखिए कौन इनपुट है कौन आउटपुट आपको आसानी से पता है, कौन इनपुट है कौन आउटपुट आपको आसानी से पता है, जो कि ट्रिगर पिन आउटपुट वो अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेगा, और ये इको पिन उसको कैप्चर करके देखिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, और ये इसलिए ये इनपुट हुआ। अब बाकी ये मोटर्स के 4 पिन जो कि आउटपुट पर है, और ये सीरियल बिगिन, ताकि हम लोग डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पे दिखा सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब ये कोड, इतना कोड यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे डिस्टेंस को मेजर करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं पहले पहले के वीडियो में से समझाया हुआ, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये जो डिजिटल राइट है, ये हमारा पहले लो है कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद कुछ देरी बाद 10 माइक्रो सेकंड्स के लिए ये जो सेंसर है वो हाई रहेगा, जिससे इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेंगे, और उसके 10 माइक्रो सेकंड्स का ये खुद से बंद हो जाएगा, और ये ड्यूरेशन कैप्चर हो जाएगा इससे इको पिन से, तो हमारे इको पिन इसको कैप्चर कर लेगा वो ड्यूरेशन, जितना टाइम उसे टकरा के आने में लगा वो। और हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, इंटू स्पीड हो जाएगा, है तो आप देखिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन और स्पीड, स्पीड क्या चीज का, स्पीड ऑफ द एयर, स्पीड ऑफ द एयर 340 मीटर पर सेकंड, उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करके ऐसे दिखाए हैं, हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, और ये सीरियल मॉनिटर पे सेंटीमीटर में प्रिंट हो जाएगा। इतना तो मैंने पहले ही बताया था, मैं आपके आसानी के लिए फिर से बता दिया। अब देखिए, अगर ये डिस्टेंस, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके रेंज में अगर 20 सेंटीमीटर के रेंज में कुछ भी आ जाता है, ये देखिए लेस देन 20 है, तो हम लोग इसको ये घुमा देंगे वहाँ, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, मैंने यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट यूज किया है, आपको इस मोटर जब मैं सिमुलेट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और एल्स, अगर एल्स मीन्स अगर 20 से ज्यादा हुआ तो ये मोटर अपना आराम से सीधा सीधा चलेगा हाई लो पे, और अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, मीन्स 20 सेंटीमीटर से कम हुआ, बस ये मोटर एक सीधा एक उल्टा, मीन्स लेफ्ट अलाइनमेंट जो मैंने आपको पहले शुरू में समझाया उसमें घूम जाएगा, और ये अपना लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा और अपना सेंस करके चलता रहेगा। तो आपको स्टिमुलेट करके दिखाता हूं मैं,
बाकी सारे चीज तो बहुत इजी है, आपको तो कोड समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो देखिए अभी मोटर क्या हो रहा है, ये मोटर देख लीजिए माइनस में जा रहा है, ठीक है, और ये मोटर कहाँ जा रहा है ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव में है, तो ये देख लीजिए आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में चल रहा है, यानी ये जो रेंज अभी सेंस कर रहा होगा पक्का 20 सेंटीमीटर से कम होगा, ये देख लीजिए 18 सेंटीमीटर अभी दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसके रेंज को सही करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब देखिए ये मैंने ये बढ़ा दिया, अब देखिए ये दोनों अभी सेंस कर रहे हैं 92 93 सेंटीमीटर। अब इस दोनों मोटर को हम लोग देखते हैं कहाँ जा रहा है, ये देखिए पॉजिटिव में जा चुका है अब 9000 RPM, और ये भी हमारा नहीं रहा, देखिए ये भी पॉजिटिव में। इससे आपको पता चल गया कि हमारा जो दोनों मोटर है अभी आगे की तरफ जा रहा है, यानी गाड़ी आगे जा रहा है, और जैसे ही फिर से इसको कुछ सेंस होके नीचे आया, देखिए रेंज हो गया, अभी कैलकुलेशंस हो रहे हैं, हाँ देखिए 34 है, 32 सेंटीमीटर। अभी भी देखिएगा ये आपका पॉजिटिव में, मैं और नीचे करता हूँ, मान लीजिए यहाँ कुछ टकराने जैसा हो गया, ये मुझे लगता है हमारे रेंज के बाहर हो गया, इसीलिए इसमें फॉल्ट हुआ। ये देखिए अभी 20 सेंटीमीटर्स के पास है, अब देखिए 20, इसे थोड़ा सा और नीचे करते हैं, हाँ अभी रेंज देखिएगा 19 आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों दोनों ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट की ओर चला गया है। तो बस इसी प्रकार ये अगर कोई भी पाथ में कोई भी चीज आएगा तो इसको अवॉइड करके अपने दूसरे डायरेक्शन में घूम के चलने लगेगा। तो मैं फिर से इसके रेंज को बढ़ा देता हूँ ताकि ये गाड़ी आगे चले, मैं कर दिया हूँ ये कैलकुलेट, देखिए 80 सेंटीमीटर हो गया, ये दोनों पॉजिटिव RPM पे चलने लगे। बस यही छोटा सा कोड है, होप करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, ऐसे ऐसे और भी वीडियो आएंगे, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब यही था हमारा चैलेंज 3, जो कि ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट। धन्यवाद, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।